नमस्ते और शांति आप सब श्रोताओं को आपका स्वागत है आपके चैनल द सोल लाइफ में और आज के दो सौ दिन के वरदान में आगे जाने से पहले परमात्मा क्या कहते हैं उसको पहचानने से से पहले समझने से पहले समझने जो श्रोता पे फर्स्ट टाइम आए हैं पहली बार आप जाकर डिस्क्रिप्शन में यूट्यूब का लिंक देख सकते हैं जहाँ पे जाकर के और बहुत सारे टॉपिक्स हैं जैसे कि आप योगासन चेयर पे बैठ करके करने वाली एक्सरसाइजेस डाइट प्लान आपका क्या खाना क्या नहीं खाना है हर प्रकार का बहुत ही डिटेल में दिया गया है वहां पर रिलेशनशिप्स के बारे में भी आपके डिप्रेशन के बारे में भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं वो जाकर आप चेक कर सकते हैं और औरों के साथ में अगर आपको लगे किसी को एक चीज की जरूरत है आप उनके साथ जरूर शेयर करें तो आज परम परमात्मा कहते क्या है आज के वरदान में इसको हम एक्सप्लोर करते हैं विस्तार में चले तीनों कालों को सामने रखकर तीनों काल मतलब कि भूतकाल वर्तमान और भविष्य काल ये तीनों चीजों को ध्यान में रखते हुए क्या करना है कर हर कार्य में सफल होने वाले सदा विजयी भवा बहुत इंपॉर्टेंट है चलते हैं इससे हमारे कर्म उसके बारे में हमें पता चलता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है तो परमात्मा कहते हैं लौकिक रीति में भी जो समझदार होते हैं वे आगे पीछे सोच समझकर फिर कदम उठाते हैं आगे पीछे सोच करके कदम उठाते हैं कि मैं ये जो ये अभी जो करने वाला हूँ कर्म इसको मेरे को तो फायदा हो जाएगा मेरे को बेनिफिट हो जाएगा मैं कमा लूंगा है ना या मैं आगे बढ़ जाऊंगा जीवन में लेकिन अगर मैंने जो चीज़ प्राप्त करी मैंने अगर और, और के साथ शेयर नहीं करी तो क्या उसका असर मेरे पास में आएगा और वो भी क्या दस गुना बन करके आएगा सपोज आपके पास में कोई सीक्रेट है आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हो लेकिन आप अपने भाई बहन माता पिता अपने दोस्तों के साथ में शेयर नहीं कर रहे हो वो आपका एक लिंक है आपका एक ग्रुप है आपने वो चीज शेयर नहीं करी आप आगे बढ़ गए दूसरे जो लोग हैं आपके संबंधी हैं सगे संबंधी हैं तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम वो अगर आगे नहीं बढ़ पाए तो उसका वोशिश exactly. के ऊपर आएगा एग्जैक्टली आपके ऊपर आएगा साथ संबंधी हैं पास्ट से आपका संबंध चलते आ रहा है आपका लेकिन आपने कोई चीज छुपाई उनके साथ में भव, अभी भविष्य में आपको भ, आपको वर्तमान में आपने छुपाई आपको फायदा हो गया लेकिन भविष्य काल में वही जो पास्ट का संबंध है उसका क्या होगा तो बहुत सारी चीजें हैं ये तो छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत गहरी गहरी बातें भी होती हैं हैं हर दिन सिचुएशंस आती हैं। जिसमें हमें निर्णय लेना पड़ता है वो निर्णय लेने के लिए हमें पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर भूतकाल वर्तमान काल और भविष्य काल को सोच समझ करके करना है सोचना भी बोलना भी और कर्म भी करना तो बाबा कहते हैं लौकिक रीति में भी जो समझदार होते हैं वे आगे पीछे सोच समझ कर फिर कदम उठाते हैं इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा है ना ऐसे यहां भी आप बच्चे जब कोई कार्य करते हो तो पहले तीनों कालों को सामने रखकर फिर करो कि मेरी ये स्टेप्स है अगर मैं अभी ईर्षा में आ गया घृणा में आ गया मैंने कुछ बोल दिया लेकिन इसका असर क्या पड़ेगा इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा क्योंकि हर कर्म का कलयुग में दस गुना होकर के आता है दस गुना कैसे होता है दस लोग आपके अगेंस्ट हो जाते हैं कि आपने ये चीज ठीक नहीं करी वो दस गुना होकर आ जाता है करा एक के साथ में आपने जरूर आपने एक ही इंसान के साथ में बुरा किया है आपने लेकिन दस लोग जुड़ जाते हैं उसमें जो कि उनकी साइड ले लेते हैं किया आपने उनके साथ अच्छा नहीं किया वो दस गुना हो जाता है तभी कलयुग में एक कर्म का एक असर नहीं मिलता एक कर्म का फल दस टाइम और सोचिए दस टाइम तो मैं सिर्फ बोलने के लिए कह रहा हूं बीस लोग आके उसके अंदर सौ लोग आके तो कितना असर पड़ता होगा वहा हजार आके तो कितनी बदुआएं मिलती हैं सोच करके करना है इसलिए तो परमात्मा कहते हैं ऐसे यहाँ भी आप बच्चे जब कोई कार्य करते हो तो पहले तीनों कालों को सामने रखकर फिर करो सिर्फ वर्तमान को नहीं देखो कि अभी तो बेनिफिट हो गया अभी तुम्हें तो बच गया अभी तुम्हें बच गई नहीं बेहद की समझ बेहद की समझ धारण करो और विजयपन के निश्चय के आधार पर त्रिकालदर्शी तीनों काल आप तो समझ गए होंगे भूतकाल वर्तमान वर्तमान काल और काल, त्रिकालदर्शी पन के आधार पर हर कर्म करो व हर बोल बोलो तब कहेंगे अलौकिक व असाधारण दुनिया वाले तो क्या है सेल्फिशनेस में आके करेंगे ईर्षा में आके कुछ बोल देंगे घृणा में आके कुछ बोल देंगे क्रोध में आके कुछ बोल देंगे लेकिन हमें बहुत ध्यान रखना है क्योंकि हमें इसका असर कई दिनों तक कई महीनों तक इसका असर रहता है वो कर्मों का जिनको ज्ञान मिल गया उनको तो ज्यादा असर पड़ता है इस चीज इस का जिनको स्पिरिचुअल नॉलेज है उनको दस गुना ही नहीं सौ गुना असर पड़ता है इसका परमात्मा कहते हैं क्योंकि सुनाने वाले बहुत हो जाते हैं कि आप ऐसे हैं आप तो ब्रह्माकुमारीज में हैं आप ब्रह्माकुमारीज में रहकर फिर भी ऐसे आप तो स्पिरिचुअल लाइन में रहकर भी आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं कितना गुना हो गया सौ गुना हो जाता है तो ये चीज़ हमें ध्यान देनी हाँ, है हाँ गलतियाँ होती हैं लेकिन उनको सुधारना बहुत जल्दी है और गलतियाँ कम करें तो और भी बेटर है लेकिन अगर आप इस अज्ञान काल में हैं आप एक बार ही बोल देंगे आप अहंकार रख लेंगे मैंने ठीक किया मैंने तो ठीक बोला मेरी तरफ से ठीक है लेकिन जब आपको ज्ञान मिल जाता है कि भैया अहंकार रखना ठीक नहीं है तो फिर वो सौ गुना मिल के आता है आपको तो इसलिए अगर आपको एक बार ज्ञान मिल चुका है अगर आप स्पिरिचुअल लाइन में हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि हाँ मैंने तो ज्ञान ले लिया लेकिन फिर भी क्या फर्क पड़ता है नहीं अंदर खाता है कहीं ना कहीं और जो अंदर खाता है वो ही तबीयत को बिगाड़ता है शरीर को बिगाड़ता है मन की स्थिति को बिगाड़ता है मन को कमजोर बनाता है और साथ ही साथ आपके संबंधों को बिगाड़ता है पहला संबंध तो अपने साथ बिगड़ता है क्योंकि ज्ञान लिया है लेकिन अंदर ज्ञान तो पता है तो गिल्ट तो रहेगा यानी कि मैंने तो छोड़ दिया स्पिरिचुअल जर्नी तो मैं बच गया है बच गई नहीं ज्ञान है अज्ञान में ज्ञान नहीं था लगता था कि ये गलत है लेकिन क्लियर नहीं था लेकिन अभी तो क्लियर हो गया ना परमात्मा ने क्लियर कर दिया तो उसका सौ गुना दंड बन जाता है सौ गुना भागीदारी बन जाते हैं दंड के हम क्योंकि वो गिल्ट खाता रहता है और सौ लोग सौ लोग जब सुनाते हैं आपको तो और बुरा लगता है तो परमात्मा कहते हैं कि अलौकिक व असाधारण लगेगा औरों को और आपको भी जब आप सोच करके तीनों कालों को करके करके कोई कर्म करेंगे तो वो अलौकिक होगा दुनिया भी नहीं लौकिक नहीं दुनिया जैसे करती वैसे नहीं और असाधारण साधारण नहीं लोग ये तो करना ही था ये तो गुस्सा आना ही था ये तो जैलसी होनी थी ये तो होना ही था ये तो नेचर है मेरी नहीं फिर वो नहीं रहता तो परमात्मा कहते इस चीज़ का ध्यान रखें आप हर कार्य करने से पहले तो ये ज्ञान जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है ब्रह्मा कुमारी से उसके बारे में और गहराई में बताते हैं आपका दिन शुभ हो आप सुखी रहें और हाँ जाने से पहले अगर आपको कोई कमेंट करना हो जरूर करिए कमेंट और और के साथ में शेयर करना हो अगर कर, लगे आपको कि ये चीज़ मेरे भाई मेरी बहन या मेरे साथी को अगर पता चल जाए तो उसके लिए भी कल्याण हो जाएगा तो उनको भी जरूर भेजिएगा ओम शांति